नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत दस्तक पे जानिए और भोजन अपडेट। गाइस सबसे पहले एक बात बता दूं, मैं दो दिन से वीडियो इसलिए नहीं अपलोड कर पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वायरल फीवर हो गया था मेरे को, मैं बेड रेस्ट पे था। अब तबीयत थोड़ी ठीक है, वीडियो बनाने की स्थिति में हूँ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बहुत तकलीफ में वीडियो बना रहा हूँ यार। सबसे पहले भोजन के लिए अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों, एक दलित छात्र ने घर पे कर ली आत्महत्या। आत्महत्या करने का कारण वही दोस्तों पुराना जो अक्सर भोजन छात्रों के साथ होते हुए आता है, कॉलेज में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि स्वर्ण छात्रों द्वारा उनको जाति को लेकर प्रताड़ित करना, भला बुरा कहना या फिर उनको नीचा दिखाना, यही कारण रहता है अक्सर किसी भोजन छात्र की आत्महत्या करने का। चाहे वो पायल तड़ भी रही हो, चाहे वो मैदानी छात्र रोहित वेमुला रहा हो, उनको इसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है स्वर्ण छात्रों द्वारा या स्वर्ण शिक्षकों द्वारा। तो दोस्तों ये जिसका नाम था विपिन वर्मा, ये इन मेंटेक इंस्टीट्यूट में तीसरे वर्ष का छात्र था, कानून का लॉ की पढ़ाई कर रहा था, उम्र थी 20 साल। इसको चार स्वर्ण छात्रों ने, जिनमें एक लड़की है और तीन लड़के हैं, नाम इनके मैं बता दूं, लड़की का नाम है नेहा चौधरी, लड़के थे तीन जिनका नाम था अंकुर और अरुण, ये तीन लड़के थे। इन्होंने दोस्तों उसको इतना प्रताड़ित किया कि उसने अपनी जान दे दी, विपिन वर्मा ने। इसके पिता, विपिन वर्मा के पिता वीरेंद्र वर्मा पुलिस में कांस्टेबल है, इन्होंने इन चारों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। और दोस्तों इनकी माता बताती है कि इंटरव्यू में विपिन वर्मा की कि ये चारों छात्र उसको उसकी जाति को लेकर बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे। तो दोस्तों ये अक्सर होता है भोजन छात्रों के साथ, लेकिन आत्महत्या करना कोई कारण नहीं है दोस्तों, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, इससे मैं कभी सपोर्ट नहीं करता। आप क्या कहेंगे इस बारे में मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों दूसरी अपडेट में आपको एक फोटो दिखाता हूँ जो अभी आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, जिसमें आपको जगन मोहन रेड्डी जी दिखाई दे रहे होंगे। ये तो नॉर्मल एक CM है आंध्र के, लेकिन आप इनके पीछे देखिए एक बुद्ध की मूर्ति बनी है, एक कलाकृति बनी है। तो हमको दोस्तों बहुत कमी देखने को मिलता है कि जो पार्लियामेंट हो या बड़ी बड़ी विधानसभाएं है वहां पे बुद्ध की मूर्तियां होती है, लेकिन जब से जगन मोहन रेड्डी जी CM बने हैं, उन्होंने 6 उप CM बनाए हैं, यानी उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, जिसमें दलित भी है, मुस्लिम भी है, सब है, और वहां पर एक दलित महिला क्या बोलते हैं होम मिनिस्टर है। ये मुझे बंदा हमें बहुत अच्छा लगता है यार राजनीति के मामले में। दोस्तों अगली अपडेट है सूरज कुमार बौद्ध की तरफ से। सूरज कुमार बौद्ध ने कविता लिखी है, मैं अछूत हूँ, अछूत कर दूंगा ईश्वर को। ये कविता दोस्तों ने पढ़ी, बहुत शानदार लगी मुझे। अगर आप भी ये कविता पढ़ना चाहते हैं तो इनके पेज पर जाइए, सूरज कुमार बौद्ध जी के पेज पर जाइए, कविता पढ़िए, बहुत अच्छी है। या फिर दोस्तों आप स्क्रीनशॉट है तो वीडियो को पॉज करके भी पूरी कविता पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद मुझे बताइएगा आपको ये कविता कैसी लगी। दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है भीमा आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद से। तो चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचे थे चूरू, राजस्थान में उन्होंने आकर एक रैली करी। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि राजस्थान में एक महिला के साथ पुलिस वालों ने क्या बोलते उसके साथ इतना गंदा व्यवहार किया, उसके मारा, उसे पीटा, उसके हाथ के नाखून तक निकाल लिया और उसके साथ शायद रेप भी किया था। ये आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और वहां पर एक महिला कांस्टेबल भी मौजूद थी, उसके सामने ये सब किया और उसके देवर को मार ही डाला। और दोस्तों इसी के लिए न्याय मांगने चंद्रशेखर आजाद ने एक रैली करी थी वहां पर, और इस रैली में बहुत सारी भीड़ थी दोस्तों। और दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जी को हमारे शंभू कुमार जी ने बहुजन समाज का हीरा बताया है। उन्होंने कहा है कि मैंने चंद्रशेखर आजाद जी को 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ और वो उनकी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं, यानी कि एक भोजन नेता बनने की पूरी ताकत है उनके अंदर और उनको अब राजनीति के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। तो क्या कहते हैं शंभू कुमार जी चंद्रशेखर आजाद के बारे में, देखिए आप भी। शासन उनको फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश करती है तो मुझे लगता है कि अब इससे ज्यादा चंद्रशेखर रावण को समाज को टेस्ट नहीं करना चाहिए, और इससे पहले कि आपका हीरा खो जाए, धूमिल हो जाए, उसको सपोर्ट कीजिए, सत्ता के शीर्ष तक भी पहुंचाइए, लेकिन नजर रखिए कि क्या वो सड़कों पर उतरते हैं। ये सब मत कहिएगा कि वो सत्ता में जाते ही बदल जाएंगे, जब बदल जाएंगे तब देखेंगे, तब बात करेंगे, लेकिन अभी जो वो काम कर रहे हैं उसका उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो। दोस्तों शंभू कुमार जी का आप लोग पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर पूरा वीडियो देख सकते हो। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया भीमा आर्मी ने वहां पर रैली करी थी और काफी कुछ कहा है, क्या बोलते हैं चंद्रशेखर आजाद जी ने, आप ये देखिए उन्होंने अपने भीमा आर्मी के पेज पर भी पोस्ट डाला है। और दोस्तों उनका कहना है अगर न्याय जल्द से जल्द नहीं मिलता है तो 1 तारीख को राजस्थान बंद करेंगे और राजस्थान में 1 तारीख को बहुत बड़ी रैली होने वाली है। तो इस रैली के बारे में आपको मैं सारी जानकारी दूंगा, तो आप लोग मेरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और दोस्तों भीमा आदमी सत्ता पर चंद्रशेखर आजाद जी की आप पूरी रैली देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर पूरी वीडियो देख सकते हो। और दोस्तों आप मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, आपको पता ही है कि मेरे को फीवर है। तो जैसी ही बनी है यार वीडियो देख लेना, बाकी लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली बार से आपको वीडियो ज्यादा अच्छी मिलेगी।